नमस्कार दोस्तों, दी फाइन आर्ट एक विस्तृत कला सिद्धांत की आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं गांधार कला शैली के बारे में। गांधार कला शैली दूसरी शताब्दी के आसपास पनपी और फली फूली। यह शैली कुषाण, वीमा और कुछ अन्य शासकों के शासनकाल के दौरान अपने चरम पर पहुंची और उस समय की मथुरा कला की समसामयिक अर्थात कॉन्टेम्प्रेरी आर्ट बनी। बौद्ध धर्म के संप्रदाय हीन यान के अनुसार महात्मा बुद्ध के चित्र या प्रतिमा बनाना निषिद्ध था। महात्मा बुद्ध को उनके चरण पादुका, छत्र या फिर कुछ अन्य चिन्हों के द्वारा प्रदर्शित किया जाता था। परंतु हीन यान के बाद महायान के अस्तित्व में आने पर कनिष्क के शासनकाल में भगवान बुद्ध की चित्र और प्रतिमाओं का निर्माण आरंभ हो गया। इस प्रकार कनिष्क गांधार कला शैली के महान संरक्षक बन गए और उन्होंने बौद्ध धर्म के प्रचार व प्रसार के लिए महात्मा बुद्ध की अनेक प्रतिमाएं और चित्र बनवाए। इन प्रतिमाओं का निर्माण मुख्य रूप से पेशावर, रावलपिंडी और तक्षशिला में हुआ और इस पूरे प्रदेश को गांधार प्रदेश के नाम से जाना जाता था। यही कारण है इस समय और इस क्षेत्र में विकसित हुई कला को गांधार कला शैली के नाम से जाना जाता है। गांधार कला शैली की विषय वस्तु भारतीय और केवल बुद्ध है, अर्थात इस समय में बने चित्रों और मूर्तियों में भगवान बुद्ध के जीवन से संबंधित और उनके पूर्व जन्मों से संबंधित घटनाओं को ही तराशा गया है। इन मूर्तियों की और इन चित्रों के में जो भगवान बुद्ध के पोस्चर हैं, जो उनकी मुद्राएं हैं, वो भी भारतीय हैं। जैसे ध्यान मुद्रा में बैठे हुए बुद्ध या अभय मुद्रा में बैठे हुए बुद्ध या उपदेश देते हुए बुद्ध। गांधार कला शैली में बने भगवान बुद्ध के चित्रों या मूर्तियों पर ग्रीक कला शैली का स्पष्ट प्रभाव दिखता है। गांधार कला का विषय तो भारतीय है परंतु स्टाइल ग्रीक है। भगवान बुद्ध एक सन्यासी थे और गांधार कला शैली के कलाकारों ने उन्हें सजावटी के सज्जा या ऑर्नामेंटल हेयर स्टाइल के साथ दिखाया है। इसके साथ ही कुछ मूर्तियों और चित्रों में उन्होंने भगवान बुद्ध को मूछों के साथ भी दिखाया है। गांधार शैली में मूर्तियों के साथ साथ भगवान बुद्ध के कुछ चित्र भी बनाए गए हैं जो मूर्तियों का प्रभाव लिए हुए हैं, अर्थात इन चित्रों को देखने पर ऐसा लगता है कि जैसे किसी मूर्ति का ही चित्र बनाया गया हो। इन चित्रों में भारतीय, ग्रीक और चाइनीज कला का प्रभाव स्पष्ट रूप से देखने को मिलता है। चित्रों में रंगों के विभिन्न शेड्स का प्रयोग किया गया है। विशेष रूप से लाल रंग को आउटलाइन के साथ प्रयोग किया गया है और आउटलाइन काले रंग से की गई है। इसके साथ ही भगवान बुद्ध को भूरे रंग के कुर्ते जैसे वस्त्र पहने हुए दिखाया गया है। उनके कानों में छोटे छोटे कुंडल जैसे आभूषण दर्शाए गए हैं और ये संयोजन, ये जो कॉम्पोजिशंस हैं, ये बहुत ही सादगीपूर्ण है। गांधार कला शैली के अंतर्गत अब हम चर्चा करेंगे कुछ कलाकृतियों के विषय में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एक कलाकृति की जिसका शीर्षक है जैन तीरंथकर। यह प्रतिमा जो है ये मथुरा से प्राप्त हुई है। इसमें काले रंग के पत्थर का प्रयोग किया गया है और इस प्रतिमा में जैन तीरंथकर जो है वो चौकड़ी लगाकर एक चकोर प्लेटफॉर्म पर बैठे हुए हैं जो चारों तरफ से पवित्र वस्त्रों और पवित्र आकृतियों से सराउंडेड है। इसमें जैन तीरंथकर का जो एक हाथ है उनकी गोद में दूसरे हाथ के ऊपर रखा गया है, जो पद्मासन में जैसे बैठते हैं उस तरीके से, और जो उनके चेहरे के भाव हैं वो बहुत ही शांत हैं और बहुत ही सौम्य लग रहे हैं। जैन तीरंथकर के बाद हम बात करते हैं लॉयन कैपिटल की। लॉयन कैपिटल सारनाथ के आर्कियोलॉजिक म्यूजियम में सुशोभित है। लॉयन कैपिटल जो है ये अशोक स्तंभ का क्राउनिंग पार्ट है, यानी ऊपर का हिस्सा है, और ऐसा माना जाता है कि भगवान बुद्ध ने इसी स्थान पर ज्ञान प्राप्ति की थी और अपना पहला उपदेश भी यही दिया था और धर्म चक्र परिवर्तन की स्थापना भी यहीं पर की थी। इस स्तंभ के क्राउनिंग पार्ट में चार शेरों की मूर्ति बनी हुई है, जिसमें से हम किसी भी तरफ से अगर देखें तो तीन ही शेरों का
चेहरा नज़र आता है, चौथा उसके पीछे की तरफ छुपा हुआ हो जाता है। इस मूर्तियों के नीचे धर्म चक्र है जिसके अंदर 24 स्पोक्स हैं और चक्र के एक तरफ घोड़ा और दूसरी तरफ बैल है। धर्म चक्र जो है ये न्याय और शारीरिक शक्ति तथा निरंतर कार्य करने का प्रतीक है। वहीं पर घोड़ा शक्ति और बैल जो है वे और अधिक फसलें और अधिक उपजाऊपन का प्रतीक है। लॉयन कैपिटल के बाद अब हम बात करते हैं चहुरी बियरर की, यानी चवर डुलाने वाली। चहुरी बियरर या चवर डुलाने वाली भारतीय कला में सबसे पहला मोन्यूमेंटल लाइफ साइज स्कल्पचर था जिसे 5-grade बफ कलर सैंडस्टोन में बनाया गया है। इसकी चमक शीशे की तरह है जो अपने आप में ही मन को मोहने वाली है। चहुरी बियरर या चवर डुलाने वाली को यक्षी कहा जाता था और इस प्रतिमा की तुलना मोनालिसा से की जाती है। इसी कारण इसे भारतीय मोनालिसा भी कहा जाता है जो कि अपने आप में ही कला का एक उत्कृष्ट नमूना है। चहुरी बियरर के बाद हम बात करते हैं बोधिसत्व हेड फ्रॉम तक्षशिला की। यह गांधार कला शैली का बहुत ही सुंदर नमूना है। इसमें बोधिसत्व को मूछों के साथ दिखाया गया है, उनके सर पर एक पगड़ी और क्राउन भी पहना हुआ है। जो क्राउन है ये काफ़ी रिच मोटिव्स के साथ बहुत ही हैवी क्राउन बनाया गया है। ये जो प्रतिमा है ब्लैक मार्बल नामक एक पत्थर से बनाई गई है। प्रतिमा में जो चेहरा बनाया गया है वो पूरी तरह से एक टिपिकल ग्रीक इफेक्ट लिए हुए है और ये इंडियन और ग्रीक कला के मिश्रण का एक बहुत ही सुंदर नमूना है।